केविन फाइकी के हिसाब से कैप्टन मार्वल एमसीयू की अब तक की सबसे पावरफुल कैरेक्टर होने वाली है। तो चलिए आज के वीडियो में हम कैप्टन मार्वल की पावर्स के बारे में बात करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पावर्स इन कॉमिक्स। कैरल डायनोर्स को पावर कैसे मिली इसकी स्टोरी जरा कन्वोलेटेड है। मार्वल और योनरोक के बीच फाइट के वक्त क्री मशीन साइक मैग्नेट्रॉन में धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से कैरल को अपनी पावर्स मिलती है। धमाके के बाद मार्वल जख्मी कैरल को बचा लेते हैं और मार्वल बाजू में होने की वजह से आधा क्री डीएनए कैरल को जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से वह बच जाती है। इससे उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और वे उड़ भी सकती है। उसकी क्री फिजियोलॉजी उसे टॉक्सिन और पॉइजन से इम्यूनिटी भी देती है। आगे जाके एलियन रेस द ब्रूड कैरल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी मदद से उसे कॉस्मिक पावर्स मिलती है, जिसके बाद वे खुद को बाइनरी बुलाने लगती है। उसकी ये नई एबिलिटीज उसे व्हाइट होल के साथ कनेक्शन की वजह से मिलती है, जिसमें मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी जैसे कि ग्रेविटी और वैक्यूम ऑफ स्पेस में जिंदा रहने की एबिलिटी शामिल है। हालांकि व्हाइट होल के साथ कनेक्शन टूट जाने की वजह से ये शक्तियां कुछ ही देर तक कैप्टन मार्वल के साथ रही, लेकिन कैरल ने इन शक्तियों की समानता से आयोजित किया और जिसकी वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब कर वे उसे फोटोनिक फॉर्म में हाथों से शूट करने में कामयाब हुई। पावर्स इन एमसीयू। कैप्टन मार्वल के फिल्म में कौन सी पावर्स होने वाली है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन केविन फाइगी ने बताया है कि एमसीयू के अब तक की सबसे पावरफुल कैरेक्टर कैप्टन मार्वल ही होने वाली है। इस स्टेटमेंट से आप कैरल के पावर्स के बारे में एक गेस तो जरूर लगा सकते हो। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो हमें लास्ट में बाइनरी फॉर्म दिखता है और ट्रेन के सीन में कैप्टन मार्वल अपने हाथों से बीम फेंकती दिखेंगी, जिससे एक बात तो कंफर्म है कि कैप्टन मार्वल के पास इस फिल्म में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की पावर शुरू से होंगी। कैप्टन मार्वल हमें ट्रेलर में दो कॉस्ट्यूम में दिखी, जिसमें कैप्टन मार्वल का स्टार फोर्स का कॉस्ट्यूम और आइकनिक रेड ब्लू कॉस्ट्यूम शामिल है। जिस तरह कैरल को एक ब्लास्ट में अपनी पावर्स मिलती है, ट्रेलर देख लग रहा है कि इस फिल्म में भी कैरल को उसी तरह अपनी पावर्स मिलेंगी, क्योंकि हमने ट्रेलर में कैरल के बाजू एक ब्लास्ट देखा और उसी ब्लास्ट के बाद हमें उसके हाथ पर किसी तरह की एनर्जी बनती दिखी। आगे हमने स्टार फोर्स के साथ कैप्टन मार्वल का बोजक फॉर्म भी देखा, जो सीधे कॉमिक से उठाया हुआ है। और फिर ट्रेलर के एंडिंग में हमें कैरल के आजू बाजू एक एनर्जी दिखी, जो दर्शाती है कि ये कैप्टन मार्वल का एमसीयू का बाइनरी फॉर्म है। लेकिन इस सीन में हमें कैरल रेड और ब्लू सूट में दिखी, तो प्रोबेबली ये फॉर्म और सीन हमें फिल्म के फाइनल फाइट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन सी कैप्टन मार्वल की पावर्स फिल्म में देखना चाहते हो। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.